हेलो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर ये वाली पिक्चर तो कई बार देखी होगी और ये वाला हैक जो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो आज हम अपनी वीडियो में इसी हैक को करके देखेंगे और देखेंगे जो इससे ये टोस्ट तैयार होता है वो टेस्टी होता है या बकवास। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक पैन लेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं ब्रेड पीसेस डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस हैक के लिए आपको दो ब्रेड स्लाइसेस रखनी है, क्योंकि एक ब्रेड स्लाइस से ये जो टोस्ट है अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होगा। जब एक साइड से ब्रेड सीख जाएगी इसको पलट देंगे और बटर लगाकर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो दूसरी साइड से भी जब ब्रेड सिक जाए तो इसके ऊपर हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर ये दूध लेकर मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी, करीब 1/4 कप मैंने दूध इसके ऊपर डाल दिया है। और जब दूध अच्छी तरह से ब्रेड सोख ले तो इसको हम पलट लेंगे। तो इसको बड़ी केयरफुली पलटें, क्योंकि इस टाइम पर ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है तो इसको पलटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने पलट लिया है और पलटने के बाद थोड़ा सा दूध मैं इस पे और डाल दूंगी, ताकि जो दूसरी ब्रेड स्लाइस है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। अब हम दूध के सूखने का इंतज़ार करेंगे। तो ये वाला जो दूध है ये ब्रेड स्लाइस अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगी और दूध हमारा सूख जाएगा। तो देखिए, दूध अच्छी तरह से सूख चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप इसको बिना अंडे का फ्रेंच टोस्ट भी बोल सकती हैं। तो इसको बड़ी केयरफुली निकालें, क्योंकि ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने इसको निकालने के लिए दो स्पैचुला का यूज़ किया है, क्योंकि एक स्पैचुला से इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसको निकाल लेंगे और इसको लोग ज़्यादातर हनी के साथ सर्व करते हैं, पर मैं इसको चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया है और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने में ये काफ़ी अच्छा है, पर मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का यूज़ किया था तो इसमें नमक का टेस्ट आ रहा था। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अनसॉल्टेड बटर या घी का यूज़ करें। अगर आपको ये हैक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।